मैं भी संभालू एक ये प्रतियोगिता हम पूरे हमारे टोटल के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके विचार इसमें लेकर और ऐसे बेटरमेंट के लिए हमारे एलके को आगे बढ़ा सके इसको लेकर इस प्रतियोगिता को हमारे। और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये विचार मेरे दिमाग में कहां से आया। जब मैं अपने स्कूलिंग के टाइम में हम जब बच्चे थे या मेरे स्कूल में हमारे सहपाठी थे तो किसी ने ऐसा एक मंच एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि उस टाइम हमारे देश के प्रति जो कि मैं जो प्रेरणा मुझे मेरे दादा साहब डॉक्टर राव से मिली क्योंकि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर देश की मजबूत आजादी की लड़ाई लड़ी उसको आजादी। मैं उनसे प्रभावित था और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। और देश के प्रति हमारी जिम्मेवारी क्या होती है, समाज के प्रति जिम्मेवारी क्या होती है, परिवार की जिम्मेवारी क्या होती है, हमें विरासत में उनके आशीर्वाद से मुझे मिली। और समाज सेवा करते हुए जब मैं एक समाज सेवी से आज राजनीति समाज सेवा में मेरे वासियों ने मजबूत आशीर्वाद देकर एक लोकतंत्र में बड़ी जीत देकर मुझे विरासत में काम किया तो ये विचार मेरे ध्यान में आया और एक मेरा टोहड़ा मैं भी संभालू संवाद प्रतियोगिता। हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं मैं उन सबसे और खास तौर से हमारे गुरुजनों से उनके पेरेंट्स से माता पिता से अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रतियोगिता में हमारे जो विद्यार्थी भाग लें और वो अपने अपने विचार हमें दें ताकि उन विचारों को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए आज परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया जब मैं एक विद्यार्थी था तब मेरे विचार होते थे जब उनको लेने वाला ऐसा मंच हमें कभी भी नहीं मिला। आज एक ऐसा मंच मैं मेरे उन विद्यार्थियों को देना चाहता हूँ कि वो अपने विचार लेकर अपने टोहड़ा को आगे बढ़ा सके और मेरा टोहड़ा मैं ही संभालू अपना एक अहम योगदान इसमें दे सके। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हर स्कूल से जो गुरुजन है हमारे अध्यापक और जो स्टूडेंट है वो इसमें अपने फार्म भर के अपने विचार लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पूरे टोहड़ा का स्टूडेंट हर स्कूल से उनके सबके विचार आएंगे उनसे संवाद किया जाएगा और टोहड़ा बेहतरी की तरफ जो मैंने प्रयास किए हैं और जो आज मेरा टोहड़ा का वासियों को नजर भी आनी शुरू हुई है कि हमारे टोहड़ा को विकास करने का है उनके जो चुनाव है उसके और बेहतर तरीके से हमारे आगे विकास के और इस प्रतियोगिता के बाद जो जिनके विचार सराहनीय होंगे हम उनको सम्मानित भी करेंगे। वैसे तो जो जितने भी हमारे पास सुझाव है हम सबको सम्मानित करेंगे लेकिन इस प्रतियोगिता में उसके अंदर एक हेल्दी प्रतियोगिता में कहूंगा उनको आप सम्मानित करेंगे। मैं एक बात और आपसे संदेह करना चाहूंगा कि इसमें आप सब अपने अपने सुझाव दें क्योंकि क्या पता किसका एक सुझाव है हमारे टोहड़ा को एक नई दिशा दे सके उसके लिए आपके सबके सुझाव इसके अंदर बहुत ही मूल्य कह सकते हैं और टोहड़ा को आगे प्रगति के पथ पर सकते हैं। आप सभी अपने सुझाव दें हम सबको सम्मानित। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।